राइट, अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग ब्रोमिनेशन इन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, हेडिंग दीजिएगा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन इन वीकली पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, वीकली पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट राइट। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल की रिएक्शन आप Br2 के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर हमारे को दो प्रोडक्ट मिलते हैं OH, हियर इट इज Br, ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस प्लस पैरा प्रोडक्ट भी हमारे को मिलता है। अब यहां पर जो है सबसे पहली बात तो यह कि जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो कार्बन डाइसल्फाइड, सभी बच्चे इस बात को, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड के बदले में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी आप ले सकते थे राइट। अब सवाल यह उठता है, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर में जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस होती हैं वहां पर Br का एटम अटैच होता है राइट। क्यों? क्योंकि वहां पर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहां पर वाटर नहीं है, यहां पर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड है अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। बट अगेन यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ये उठता है कि जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अपने आप में नॉन पोलर होता है, तो उसके अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर कैसे पोलराइजेशन क्रिएट हुआ। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फिनॉल की जो रिंग है, जो फिनॉल की बेंजीन रिंग है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा माने जाते हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियस की तरह काम करता है। जो फिनॉल का सिस्टम है, फिनॉल और एनिलीन, ये दोनों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं राइट, इसीलिए यहां पर ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग इसके अंदर पोलराइजेशन क्रिएट करती है। मतलब हम ये कहते हैं कि इट इज पार्शियल पॉजिटिव एंड इट इज पार्शियल नेगेटिव, ये डेवलपमेंट होता है। जो बेंजीन की रिंग है वो बेंजीन की रिंग इसके अंदर पोलराइजेशन क्रिएट करती है, और जो ब्रोमीन का एटम बेंजीन रिंग के साथ रहेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन की जो रिंग है वो बेंजीन की रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स में इसलिए बोल रहा हूं मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, जो बेंजीन की रिंग है वो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दैट ऑफ बेंजीन रिंग। तो अब यहां पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जब वो पोलराइजेशन क्रिएट करेगा तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के Br की तरफ जाएंगे, दूसरे Br की तरफ जाएंगे। तो जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स राइट, उस तरफ शिफ्ट होंगे, तो जब उस तरफ शिफ्ट होंगे तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, रिएक्शन को कैसे कैरी आउट करेंगे उसकी जो मैकेनिस्टिक डिटेल है मैं आपको बता देता हूं हल्का सा। यहां पर ये जो फिनॉल है इट इज ओ एंड हियर इट इज एच, यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, तो यहां पर जो Br था ये Br और यहां पर ये Br, इट इज पार्शियल पॉजिटिव इट इज पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आया तो ये यहां पर चला जाएगा, यहां से ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, माइनस ऑफ Br नेगेटिव, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इट इज H, ऑक्सीजन विद अ पेयर पॉजिटिव चार्ज, हियर इट इज योर H एंड हियर इट इज योर Br राइट। अगेन ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा राइट, और ये जो Br नेगेटिव है ये Br नेगेटिव H के साथ कंबाइन कर जाएगा, मतलब माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो चुका है और ये आपका ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे आपका ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बना है वैसे ही आपका पैरा ब्रोमो फिनॉल भी बनेगा।
राइट है, सेम मैकेनिज्म काम करेगा, मैकेनिज्म के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। राइट अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड गिवन टू यू, और इस कंपाउंड में आपने ब्रोमिनेशन परफॉर्म किया Br2, राइट एट अगेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट आइस बाथ टेम्परेचर, आइस बाथ टेम्परेचर, राइट। तो जो प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा वो प्रोडक्ट के बारे में हम कैसे सोचेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में हम कैसे सोचेंगे, जरा चेक कर लीजिएगा आप। तो यहां पर ये जो केस है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉनिक, दो रिंग यहां पर नजर आ रही है आपको, ये दो रिंग नजर आ रही है आपको, राइट। अब यहां पर ये जो रिंग है उस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, राइट। हम जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट रिएक्शन इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसा मैंने यहां पर परफॉर्म किया था कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। और मैंने अब ये भी आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग ही पोलराइज करती है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, राइट, या इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द एक्टिवेटर्स, राइट। यहां पर जो है जो बेंजीन रिंग है वो इसको पोलराइज करेगी, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगी। बट अब सवाल ये उठता है कि यहां पर दो बेंजीन रिंग है तो दो बेंजीन रिंग के अंदर कौन पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो एक बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा, मतलब अगर नेट इफेक्ट आप देखोगे, नेट इफेक्ट अगर आप देखो तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपने बीआर के एटम को लगाया, नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो जो फिनॉल का सिस्टम है उस फिनॉल के सिस्टम के ऑर्थो पोजीशन पर अथवा पैरा पोजीशन के ऊपर आपने बीआर के एटम को लगाया है। यहां पर आप कहां लगाएंगे, अब अगर हम देखें तो ये पोजीशन CH3 के हिसाब से ये वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज फेवरेबल फॉर बोथ CH3 एंड दिस CH3, क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि जो CH3 ग्रुप होता है वह CH3 ग्रुप अपने आप में रिंग का एक्टिवेटर माना जाता है, अपने आप में रिंग का एक्टिवेटर माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है उस CH3 ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट होता है, प्लस एच एंड प्लस आई इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, बराबर है, ये एक्टिवेट करता है, ये रिंग का एक्टिवेटर है, राइट। उसी तरीके से ये भी रिंग का एक्टिवेटर है, राइट, CH3 ग्रुप, राइट, CH2 ग्रुप भी रिंग का एक्टिवेटर है, और जो भी रिंग के एक्टिवेटर होते हैं वो अपने आप में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर माने जाते हैं, वो अपने आप में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर माने जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज डेफिनेटली डिसाइडेड बाय द OH ग्रुप, जो बेंजीन रिंग के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है वह OH ग्रुप उसको डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब अल्टीमेटली ये जो BR जुड़ रहा है, ये एस सच ये जो BR है ये तो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है ना बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। और बेंजीन की जो सिस्टम है, बेंजीन का सिस्टम अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ध्यान रखना, अगर बेंजीन के सिस्टम पर अगर दो ग्रुप लगे हैं या तीन ग्रुप लगे हैं, बेंजीन के सिस्टम पर अगर दो ग्रुप लगे हैं या तीन ग्रुप लगे हैं तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर होगा रिंग का, वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट इट विल बी दिस, और ये तकरीबन 100% आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है CH3, यहां पर OH, हियर इट इज अगेन CH3, राइट। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा
दैट इज ऑलमोस्ट 100% एंड इट इज आइसोलेबल. 100% आपको प्रोडक्ट मिलेगा एंड इट इज आइसोलेबल. आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट किया गया उसको, बाकायदा ये प्रोडक्ट हमारे को मिलता है. तो चेक करिएगा ये जो बीआर मैंने यहां पर लगाया है, ये बीआर इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में भी मेटा पोजीशन है, बट इस ओएच के रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, इस ओएच के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है. तो सारे बच्चे इस बात में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं उन सभी ग्रुप्स के अंदर जो ओएच है वो ओएच है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर है, क्योंकि उसका प्लस आर इफेक्ट है. यहां पर दिस ओएच ग्रुप इट इज हैविंग द प्लस आर इफेक्ट, और प्लस आर इफेक्ट है तो इसीलिए बहुत ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करेगा. राइट, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोमिनेशन. राइट, ब्रोमिनेशन मतलब हैलोजिनेशन के बारे में मैंने इन जनरल यहां पर आपको डिस्कस किया है. नाउ वी आर टेकिंग अप द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज द नाइट्रेशन. नाइट्रेशन देखिएगा आप, जिस समय आप फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहली बात तो यह है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो नाइट्रेशन होता है, बेसिकली जब आप नाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं. नाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं एंड दैट नाइट्रेटिंग मिक्सचर इट इज द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 जो है वो अपने आप में नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह काम करता है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फिनॉल है वह फिनॉल अपने आप में इतना ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है कि इवन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में भी सब्सटेंशियल रिएक्शन होती है, सब्सटेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड द पैरानाइट्रो. अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स की बात करें कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, तो ऐसा कहा जाता है कि पैरा प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट्स, पैरा प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट्स ओवर ऑर्थो प्रोडक्ट, ओवर ऑर्थो प्रोडक्ट. राइट, तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वाई द पैरा प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट्स ओवर द ऑर्थो प्रोडक्ट, पहला सवाल. दूसरा कि हमने नाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मतलब यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्यों नहीं लिया. नॉर्मली जैसे बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं. राइट, या आपको टॉल्यूइन का नाइट्रेशन परफॉर्म करना है तो टॉल्यूइन के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 का इस्तेमाल करते हो. राइट, सबसे पहली बात कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल किया तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, अपने आप में एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है. और क्योंकि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैंने क्या बोला कि जो फिनॉल का जो बेंजीन रिंग होती है वह बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, जो फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती है. तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा
फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट। और उसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसलिए हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें फिनॉल के ऑक्सीडेशन का पूरा पूरा खतरा है। आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेकर जब आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। अब यहां पर सवाल ये उठता है, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का जवाब मिला कि व्हाई वी हैव नॉट टेकन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 क्यों नहीं ले रहे हो, राइट। उससे फिनॉल की जो रिंग है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, राइट। और उसमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जैसे बेंजो क्यूनॉन आपको मिल सकता है। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे तो यू विल गेट द बेंजो क्यूनॉन, बेंजो क्यूनॉन का फॉर्मेशन होगा। मतलब सीधी सी बात है, अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। दूसरी बात कि यहां पर यह पैरा प्रोडक्ट क्यों डॉमिनेट कर रहा है ओवर ऑर्थो प्रोडक्ट। और दूसरी बात, मैंने आपको एक और बात बोली थी कि जिस समय आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे को रेट ऑफ रिएक्शन मिलना चाहिए, जो हमारे को रेट ऑफ रिएक्शन मिलना चाहिए उससे ज्यादा हमारे को रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर मिला है। जितना हमारे को मिलना चाहिए था, जितना हमारे को मिलना चाहिए था रेट ऑफ रिएक्शन, आपने आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि भाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है इसका मतलब यहां पर भी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 पॉजिटिव होगा। जैसा कि आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर आप लेते हैं, तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है तो उसमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, कैसे NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है वो जरा देख लीजिएगा। रिएक्शन होती है ट्वाइस ऑफ HNO3 गिविंग H2O प्लस NO2 पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। अगर आप ये रिएक्शन होती है, चेक कर लीजिएगा, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है, राइट। 3 और 2 5 6, राइट, 3 to the 6 नाइट्रोजन हमारे, 2 2 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, राइट, रिएक्शन बैलेंस है। ये जो रिएक्शन आपने परफॉर्म करी है, दिस रिएक्शन ऑकर्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज टेकन। ध्यान रखना ये बात को, कॉन्क HNO3 जब आप लेते हैं, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में, तब ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म होती है। और अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने ली, तो ये रिएक्शन होगी और आप देख सकते हैं कि NO2 पॉजिटिव का जनरेशन हुआ, रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव, जो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए कि हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया, HNO3 और H2SO4 लिया, अगर आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया तो क्या रिएक्शन होती है वो भी जरा देख लीजिएगा आप। ये सारी रिएक्शन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर रिएक्शन में डिफरेंस है। जब आप HNO3 और H2SO4 लेते हैं तो ये रिएक्शन होगी, HNO3 प्लस H2SO4 ट्वाइस करिएगा, ट्वाइस ऑफ H2SO4 गिविंग NO2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ बाइसल्फेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव। HNO3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 गिविंग NO2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ बाइसल्फेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव। चेक करिएगा, ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है दोनों साइड पर। जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं उस वक्त ये NO2 पॉजिटिव ये अगेन बना है, राइट। आप ये जानते हैं कि नाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर सबसे इफेक्टिव है। बट ये भी मैंने बता दिया आपको कि फिनॉल के सिस्टम पर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, क्योंकि फिनॉल की रिंग के ऑक्सीडाइज होने के खतरा है। तो इसीलिए आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फिनॉल का सिस्टम इतना एक्टिवेटेड होता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी सब्सटेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, सब्सटेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दीज। और ये इतना रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा मिलता है हमारे को कि सिर्फ अकेले NO2 पॉजिटिव को लेकर, अकेले NO2 पॉजिटिव को लेकर रिएक्शन के रेट को जस्टिफाई करना ये समझ में नहीं आता है। अगर मान लीजिए, मतलब मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया और जब मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लूंगा
तो जो NO2 पॉजिटिव मिला यहां पर वो NO2 पॉजिटिव के जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे को मिलता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ NO2 पॉजिटिव को लेकर समझा पाना राइट ये बराबर नहीं है राइट। इसमें ऐसा माना जाता है, अब सुनना मेरी बात को, यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रस एसिड भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत HNO2 प्रेजेंट होता है राइट, जिसको आप कहते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2। अब सवाल यह उठता है कि ये HNO2 कहां से आया? आपने तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, इसमें थोड़ा बहुत ये जो HNO2 प्रेजेंट है स्मॉल क्वांटिटी में, जो ये HNO2 प्रेजेंट है ये कहां से आया? एक्चुअली आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है या कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बात जरूर है कि जिस समय आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब आपने नाइट्रिक एसिड की ताकत को कम कर दिया, नाइट्रिक एसिड की ताकत को आपने कुछ हद तक कम किया बाय टेकिंग इट इन द डाइल्यूटेड फॉर्म, बट फिर भी वहां पर उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, वो ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता है राइट। तो ये नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में नाइट्रस एसिड का प्रेजेंट होना इसका मतलब HNO3 वहां पर रिड्यूस हो चुका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा जो HNO3 है, HNO3 में नाइट्रोजन प्लस 5 स्टेट में है और यहां पर अगर देखोगे तो वो नाइट्रोजन प्लस 3 स्टेट में है, तो प्लस 5 से प्लस 3 स्टेट में आना इट इज क्लियर कट द केस ऑफ रिडक्शन। तो यहां पर HNO3 रिड्यूस हो गया HNO2 के अंदर कुछ मॉलिक्यूल, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा हूं कि कुछ मात्रा में HNO2 HNO2 का प्रेजेंस देखा गया है। तो अब क्या हुआ इससे, इससे क्या हुआ HNO2 प्रेजेंट होने से, HNO2 अपने आप में वीकर एसिड होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं HNO2 का OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रस एसिड है। और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर कंपेयर करोगे तो नाइट्रिक एसिड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HNO2। तो क्या करेगा, जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रिक एसिड HNO2 को अपना H देगा, ये H यहां पर आया, और जब ये H यहां पर आएगा तो नाइट्रिक एसिड ने खुद बना लिया नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन पीछे रह गया, ये NO3 नेगेटिव रह गया, और जब ये H पॉजिटिव यहां पर आएगा तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीजन इट विल बिकम द पॉजिटिव चार्ज, और यहां से H2O निकल जाएगा राइट। यहां पर ये प्लस H2O बन चुका है और यहां पर नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, ये नाइट्रोसोनियम आयन आपने बनाया राइट, इट इज नॉट द नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन नहीं है, इट इज नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है इसके बारे में ऐसा कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन के बारे में कहते हैं कि इट अटैक्स ओनली ऑन द एक्टिवेटेड सिस्टम, ये एक्टिवेटेड सिस्टम के ऊपर ही अटैक करता है, जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये नाइट्रोसोनियम आयन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस के ऊपर ही अटैक करता है। तो ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये नाइट्रोसोनियम आयन अब अटैक करेगा, और एक बात सारे बच्चे जरूर से ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोसोनियम आयन स्पेसिफिकली प्रीफर्स, स्पेशली प्रीफर्स नॉट स्पेसिफिकली, स्पेशली प्रीफर्स द पैरा पोजिशन, ये पैरासाइट को ऑक्यूपाई करता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो ये नाइट्रोसोनियम आयन बना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर, जो थोड़ा बहुत नाइट्रोसोनियम आयन बना था, ये नाइट्रोसोनियम आयन इस फिनॉल के सिस्टम के पैरा पोजिशन पर अटैक करता है। कैसे अटैक होता है वो जरा देख लीजिएगा, ये आपका फिनॉल का सिस्टम, और ये अब नाइट्रोसोनियम आयन N डबल बॉन्ड O एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 राइट, ये नाइट्रोसोनियम आयन अब जो है यहां से ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये यहां पर चला जाएगा, इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ
हियर इट इज डबल बॉन्ड ओ, हियर इट इज एच, ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज विद ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज डबल बॉन्ड, हियर इट इज योर एच एंड हियर इट इज एन डबल बॉन्ड ओ, ये बना आपका। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर था वो यहां पर आ चुका है, बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी है। अब अगेन ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट, इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, माइनस ऑफ एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव निकल गया, राइट, ये ओ एच एंड हियर इट इज एन डबल बॉन्ड ओ विद नाइट्रोजन हैविंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और ये जो हमारा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बना है, ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल को अब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा HNO3। भाई ये तो बेसिकली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपने ले रखा है, मतलब HNO3 का मॉलिक्यूल तो होगा उसके अंदर, राइट, तो ये जो HNO3 है अब ये नाइट्रोसो ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जिस समय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, ये उसका भी एक्सप्लेनेशन है। समझे होंगे मेरी बात को, मैंने क्या बोला आपको कि जिस समय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आपने ट्रीट करवाया था तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा था, पैरा प्रोडक्ट मिल रहा था, और मैंने आपसे क्या कहा था, पैरा प्रोडक्ट स्लाइटली डोमिनेट्स ओवर द ऑर्थो प्रोडक्ट, तो पैरा प्रोडक्ट क्यों डोमिनेट कर रहा है, राइट, ये भी आपको यहां से एक्सप्लेनेशन उसका मिलेगा कि एक्चुअली कहीं ना कहीं नाइट्रस एसिड बना था, वो नाइट्रस एसिड ने नाइट्रोसोनियम आयन दिया, नाइट्रोसोनियम आयन एस्पेशली प्रीफर्स टू अटैक द पैरा पोजिशन, उसने पैरा पोजिशन पर अटैक किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे को ज्यादा मिला है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, राइट, फिनॉल का जो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें नाइट्रोसोनियम आयन बना था, राइट, ये एक बात क्लियर हो गई होगी। राइट, अब ये जो फिनॉल है, अगर इस फिनॉल को, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप फिनॉल को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाते हैं, राइट, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, राइट, और आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बट यहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय आप उसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाएंगे, फिनॉल को जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी मिलता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी मिलता है, जिसको कि आप लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड, ये आपको पिक्रिक एसिड मिलता है। बट प्लीज रिमेंबर, मैंने पहले ही कह दिया है आपको कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो उस सिचुएशन में फिनॉल की रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो मिल रहा है पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड बहुत कम मात्रा में आपको मिलता है, द यील्ड ऑफ द पिक्रिक एसिड इट इज वेरी लेस इन दिस रिएक्शन। तो फिर सवाल ये उठता है कि पिक्रिक एसिड बनाने को क्या हमारे पास कोई तरीका है, तो उसका एक तरीका क्या माना जाता है, देखिएगा आप क्या करिए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लीजिए, सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन लें, यह हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इस क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएं,
राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4-dinitrochlorobenzene. राइट, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 का जो मिक्सचर ले रहे हैं उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो सभी जानते हैं कि नाउ द इलेक्ट्रोफाइल इज योर NO2 पॉजिटिव. उसके बाद आप इसको एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाएं, एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाएं. तो जिस समय आप एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाएंगे फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मतलब पहले आपने एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाया और दूसरी स्टेप में आपने फिर एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, राइट. तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4-dinitrophenol. 2,4-dinitrophenol का फॉर्मेशन हुआ, राइट. सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, इस रिएक्शन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट. कि ये जो एक्वस सोडियम कार्बोनेट आपने ले रखा है, ये एक्वस सोडियम कार्बोनेट अपने आप में बेसिक नेचर होता है इसका, एक्वस सोडियम कार्बोनेट इसका अपने आप में बेसिक कैरेक्टर होता है, राइट. इसका जो सॉल्यूशन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन आपने ले रखा है, एक्वस सोडियम कार्बोनेट का जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है, राइट, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, इसका काफी ज्यादा बेसिक होगा, दैट विल बी बेसिक इन नेचर, राइट. व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन. ये जो कार्बोनेट आयन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस of carbonate ion. The solution is basic in nature. ये जो solution है aqueous sodium carbonate का, वो basic इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो carbonate ion present है, वो carbonate ion hydrolyze कर जाता है. और जब carbonate ion hydrolyze करेगा, right, तो OH negative generate करेगा. वो जो OH negative है, वो OH negative इसके ऊपर attack करेंगे. वो जो OH negative है, वो OH negative इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेंगे. आप सब बच्चे यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा जानता है कि वो जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा, दैट विल बी SNAR मैकेनिज्म. SNAR मैकेनिज्म यहां पर ऑपरेट होगा, जिसको कि आप लोग आल्सो कॉल्ड एज एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म. एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म, SNAR मैकेनिज्म यहां पर ऑपरेट होगा. डायरेक्ट OH नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, उस कार्बन के ऊपर जहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, और अल्टीमेटली क्लोराइड नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा और वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. बट क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में आपको डायरेक्टली फिनॉल नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, राइट. और इसीलिए हम H पॉजिटिव लगा रहे हैं. मीडियम इज बेसिक, इसीलिए मैंने उसको H पॉजिटिव लगाया वहां पर. अब बात आगे बढ़ रही, ये आपने ट्रीटमेंट करवाया, ये फिनॉल मिला आपको, पिक्रिक एसिड बनाने की बात थी. अब आप इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाएं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ. अब आप ट्रीट करवा सकते हैं, राइट. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6-trinitrophenol. राइट, नाउ वी आर टेकिंग अप. तो अब यहां पर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लगाया था, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड. इसके अंदर जो आपको यील्ड मिलेगी, दैट विल बी क्वाइट गुड. जो यील्ड हमारे को मिलेगी वो अच्छी मानी जाती है. तो इस तरीके से आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट. अगेन एक बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा मैं केस ले रहा हूं आपके सामने. अगर मान लीजिए कि हमारे पास OH
और यहां पर CH3 लगा हुआ है। या एक काम करिए, CH3 की पोजीशन यहां से यहां पर लगा दीजिए, राइट। और अब आपने इसका नाइट्रेशन परफॉर्म किया बाय टेकिंग द डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 लेकर अब आपने नाइट्रेशन परफॉर्म किया, राइट। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट, अगेन मैं खास क्या बात बताना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि अब बेंजीन रिंग के ऊपर OH भी लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है, राइट। बट अगर हम अगेन बात करें कि विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ऑफ द रिंग होगा, राइट, तो डेफिनेटली जो OH ग्रुप है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर आएगा, राइट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द OH ग्रुप, राइट। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये अगर आप बेसिकली देखो तो ये अपने आप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे प्राइम होती है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा प्राइम होती है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, राइट, हमने उसको निश्चित रूप से पहले भी डिस्कस किया है। तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट इट विल बी, हियर इट इज OH, राइट। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट CH3 के हिसाब से मेटापोजिशन पर है, बराबर है, बट वो मैटर नहीं करेगा, that will be immaterial, the product it will be decided by the OH group, जो incoming electrophile आकर लगेगा वो ortho position के ऊपर लगेगा, right? So this is about the nitration. I am taking up the next reaction.